मुल्ला ईसा गोट कराची शहर का एक नवाही गांव है। खेतों और बागात से घिरे इस गांव की मिली जुली आबादी में खासी तादाद बलोचों की भी है। रुबीना इसी गांव में रहती है और उसने रवायती बलोची कढ़ाई को अपना जरिया माश बनाया है। ऐ चूने तो शुक्रे तो चूने शुक्रे देखा है रबे कहाँ हो शुक्रे ऐ मैं याद करूँ गुदे वास्ता बहुत तैयार को था हाँ ती गुद तैयार ही दूध का ना वो मंत्र के सीर बह गई मैं उस तक गुदा रहा हूँ कारा अन्य विधियाँ नहीं आओ पैसा आता कंगो हाँ वो है पैसा आता ना बगैर पैसे अच्छों मकाया मैं जब 8 साल की थी तो मैं अपनी नानी के पास थी तो वहाँ से मैंने अपने खाला से सीखा है। उसने वो कर रही थी मैंने देख देख के ये सीखा है। तो आज तक मैं अपने घर वालों के लिए बनाती थी। अभी तकरीबन 5 साल से मैं दूसरों के लिए बना रही हूँ यानी के पैसे से। अभी मैं अपनी बिजनेस शुरू कर रही हूँ अपनी बिजनेस ये कर रही हूँ कि बना के बाहर बेच रही हूँ मार्केटिंग कर रही हूँ खुद से। कुछ घर में आके लेते हैं और कुछ मैं बाहर मार्केटिंग करती हूँ जैसे शॉपिंग हॉल वगैरह हैं वहाँ भी मैं बेचती हूँ मार्केटिंग करती हूँ वहाँ भी। ए सीर वाले गांगो अमाया नहीं गा ना दात गंती तैयार ऐसी तैयार है। ये कढ़ाई जो है ये हमारी बलोचों की ज़बरदस्त कढ़ाई है ये बहुत कीमती है। जुती पैसे आना शी 5-7 शी 6-7 इसी बिता 700 रुपया आओ सही पूरा है ना आओ ती देखे गोद गोड़ा तैयार पे हैं वापा। मेरे वालिद पहले तो बलूचिस्तान में थे। जब मेरे दादा अबू का इंतकाल हुआ तो मेरी दादी अपने बच्चों को यानी मेरे वालिद और चाचाओं को लेके यहाँ आए इस गोट में। तो मेरा वालिद साहब छोटा था बहुत छोटा था इसके जैसा था जितना तो उसकी इनकी परवरिश भी यहीं पर हुआ। काफ़ी दुश्वारियों से मेरी दादी ने मेरे अब्बू और चाचाओं को पाला। इसी गोट में मैं पैदा हुई यहाँ पली हूँ यहाँ बड़ी हुई हूँ यहाँ पढ़ा है मैंने यहाँ से वो सारा कुछ सीखा है। यहाँ के माहौल के बिल्कुल साथ रहती हूँ। जब बाहर निकलती हूँ तो बाहर के माहौल से निकलती हूँ। इस गोट में रहती हूँ इस गोट के माहौल के हिसाब से रहती हूँ। इसी खेतों में हमने काम भी की है। ये इन खेतों में मेरे अब्बू भी काम करते अभी भी कर रहे हैं। इस खेत में मैं भी यहाँ अपने अब्बू को के हाथ बटाने आती हूँ। यहाँ हम इस कुएँ में कपड़े धोते हैं यहाँ पानी भरने आते हैं बच्चे नहाने आते हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी यहाँ पर नहाते थे अभी तो बड़े हो गए। जिस तरह के मुझ में शऊर आया है खुद कमाने की मैं ये चाहती हूँ कि दूसरी लड़कियों को भी खुद कमाने की शऊर आ जाए। अभी मैं इस सिलसिले में काम कर रही हूँ कि दूसरी औरतों को मोटिवेट कर रही हूँ वो खुद कमाएं अपने पैरों पे खड़ी हों। जो किसी भी मसले के तहत घर में छुपी बैठी हैं हिम्मत हार के उनको मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि वो खुद कमाएँ अपने अंदर शऊर पैदा करें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें अपनी अंदर की हिम्मत को जगा दें। हमारे गांव के जो मर्द हजरात हैं वो बहुत शक्की हैं बहुत शक करते हैं औरतों पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं। जो शादीशुदा हैं अपनी बीवियों पे शक करते हैं जो कवारी लड़कियां हैं उनकी वालिद और भाई काफ़ी शक करते हैं
अलग है, हम उनके बेटी हैं, बहन है, हम पे भी शक करते हैं। तो इसी शक की वजह से औरतें ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती। एक बात होती है यकीन की, ये औरत खुद मर्दों को यकीन दिलाए फिर वो औरत अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है। जैसा कि मैं अभी गरीब घराने की लड़की हूँ, लोग मेरे पीछे कितने बातें करते हैं, लेकिन मैं किसी की बातों को नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट हैं और मुझ में कॉन्फिडेंस है कुछ करने की, हर हुनर मेरे पास है। रुबीना कपड़ों पर कशीदाकारी और कढ़ाई करने के अलावा ये खुश रंग पंखे भी बनाती है। बलोच सकाफत में शादी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले इन पंखों का अपना एक अनोखा मुकाम है, जिनके बगैर शादी का रंग फीका लगता है। जैसे कि हमारे गोट के हालात हैं, इससे ये है कि लड़कियां ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती। उनकी वजह शायद ये भी है कि वो लड़कियां डरती हैं बाहर निकलने में, कहीं कुछ ना हो जाए, जाहिर सी बात है। मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की खुद मुख्तार हो, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, वो हर लड़की पढ़ी लिखी हो। एक लड़की की पढ़ी लिखी होने से पूरा गाँव पढ़ा लिखा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लड़की जब खुद कमाने लगेगी तो उसके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस पैदा होगी। वो अपने अंदर फ़ख्र महसूस करेगी कि वो किसी का मोहताज नहीं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो अपने लिए खुद कुछ कर सकती है। अपने पाँव पे खड़ी होना और किसी पे बोझ मत बनना, तो लड़की में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हर तरह के हालात से वो लड़ सकती है। जैसे कि वो खुद कमा सकती है तो कमाने के बाद वो हर हालात से वो गुजर सकती है। वो अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लेती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे इस तरीके से बनना है। मेरी वालदा की ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल गांव की ज़िंदगी गुजरी। वो घर के कामों में, मतलब ये बच्चे पालना, अगर पहले माँ बाप की खिदमत करना, फिर उसके बाद बच्चों को पालना, ऐसी ही ज़िंदगी गुजरी। वो ना बाहर निकली है, ना पड़ोसियों के घर गई है, ना अपने कज़नों के सामने आई है। मेरी वालदा की ज़िंदगी ऐसी गुजरी। अब मेरी जो ज़िंदगी है, मैंने पहले जो ज़िंदगी थी और अब की है, बहुत बेहतर है। मैं ये समझती हूँ पूरी गौर से, मैं लोग ये समझते हैं कि पूरी गौर से सबसे ज़िंदगी रुबीना गुजार रही है। अब जैसा कि मैं बाहर निकलती हूँ, मुझमें कॉन्फिडेंस है, मैंने हिम्मत पैदा कर ली है, मैं हिम्मत रखती हूँ हर मसले को हल करने की, हर मतलब ज़िंदगी को तब्दील करने की। अब मैं अपनी बहन की ज़िंदगी को भी अपनी ज़िंदगी से बेहतर बनाना चाहती हूँ कि वो भी पढ़ लिख कर, ज़्यादा पढ़ लिख कर वो मुझसे भी बेहतर बन सकती है। ये है कि जैसे कि मैंने हिम्मत की तो मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि दूसरी लड़कियाँ भी मेरी तरह हिम्मत करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, जो बाहर निकलने की, वो भी इस मंजिल तक पहुंच जाए। यही मेरी मंजिल है कि हर लड़की जो घर में किसी भी मजबूरी के तहत छुपे बैठी हैं, जो पढ़ी लिखी हो के भी अनपढ़ करार देती हैं अपने आप को, जो इतनी हिम्मत वाली हो के भी घर में किसी वजह से बैठी हुई हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी बाहर निकलें। मेरी मंजिल ये है कि हर लड़की अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर औरत अपने अंदर हिम्मत ढूंढ ले तो वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकती है। अगर औरत हिम्मत करे तो, हिम्मत अपने अंदर पैदा कर ले, हर औरत के अंदर हिम्मत है, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत ढूंढ ले तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है।